हेलो दोस्तों, तो आज है होली। नमस्ते, मेरा नाम है ललित और वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है होली का त्यौहार और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि होली के त्यौहार में सब लोग सुबह से ही बहुत खुश रहते हैं। तो सुबह सुबह उठकर चाय नाश्ता करके हम सब ने पहने सफेद कपड़े, क्योंकि अमीर आदमी हमेशा सफेद कपड़ों में होली खेलता है। उसके बाद फिर हमने अपने रंग सजाए और हमने बालकनी में अपना सेटअप कर लिया, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से रंग उड़ाना अलाउड नहीं है, तो दीवारों वगैरह पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो खराब होता पेंट। तो फिर हमने बालकनी में अपना सेटअप किया। सबसे पहले तो हमने जो घर के बड़े हमारे पापा और हमारी मम्मी, हमने उनको कलर लगाया, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे को कलर लगाया, खासतौर पर कायरा ने, मैंने, मेरी बहनों ने और मेरी वाइफ ने, सबने एक दूसरे को कलर लगा के बहुत सारी मस्ती करी। हमने बहुत सारा गुलाल उड़ाया। कायरा की ये सेकंड होली है। पहली होली में कायरा बहुत छोटी थी, गोद में थी, एक साल की भी नहीं थी, तो उसने ज्यादा एंजॉय नहीं करा था। इस बार कायरा ने सबसे अपने आप को कलर लगवाया और उसने देखो और बाकी को भी अब देखी देखी कलर लगा रही थी, बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लास्ट टाइम तो ऐसा था कि हम कायरा को कलर लगा रहे थे और कायरा रो रही थी, उसको लग रहा था पता नहीं क्या उसके फेस पे लगा दिया, लेकिन इस बार कायरा ने बहुत एंजॉय करा। मैंने भी अपने पेरेंट्स को कलर लगाया कायरा के साथ। होली खेलने का एक्सपीरियंस ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कायरा थोड़ी बड़ी हो गई तो थोड़ी समझदार हो गई। उसके बाद वाइफ ने, आप ये देख ही सकते हैं कि हमने एक दूसरे को कलर लगाकर हमने पहले तो बालकनी में अपनी होली मनाई, फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें। फिर हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता करा और फिर हमने देखा कि हमारे पड़ोसियों में क्या माहौल चल रहा है। ये देखो कायरा ने अपनी बुआ को कैसे कलर फेंक के मारा है। तो हमने यूज़ किए ओनली ऑर्गेनिक गुलाल, हमने कोई भी पक्का कलर यूज़ नहीं करा था जब तक, क्योंकि पक्का कलर बच्चों को लग जाए या हमें लग जाए तो फिर निकलने में थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, क्योंकि कल से ऑफिस भी जाना है। तो पक्का कलर अगर ऑफिस में लगा रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा सा नहीं लगता। जब छोटे थे तो नॉर्मल था, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। प्लस ऑफिस में मीटिंग वगैरह चलती रहती है तो थोड़ा ये भी देखना पड़ता है, कोई डेलीगेशन आ रखा हो, कोई फॉरेन से क्लाइंट आ रखा हो, तो उनके सामने कलर थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर हमने बालकनी में तो जितना भी कदम उठाना था हम पूरी तरीके से किया। हमने इतना ज़्यादा कलर लगाया, गुलाल खेला और पानी से भी खेले, पिचकारी लेकर आया था मैं। फिर हमने जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं उनमें पानी भरा और फिर उसके बाद हमने ऊपर से हमने फोर्थ फ्लोर के नीचे जो है गुब्बारे फेंकना शुरू करा। कभी अब कई बार ऐसा भी हो रहा था कि हम ऊपर से गुब्बारे फेंकते थे और किसी को लग जा रहा था, लेकिन बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि जब आप ऊपर से कुछ फेंकते निशाना लगा के इतने में बनता है इधर उधर मूव कर जाता है, बहुत ही रेयर था। कायरा ने भाई हमारी बहुत मस्ती करी, मतलब कायरा को तो ऐसा लग रहा था कि क्या फेस्टिवल है ये, रोज क्यों नहीं आता, हम रोज ऐसे क्यों नहीं खेलते। उसको थोड़ी पता है कि ये फेस्टिवल है, उसको तो बस मस्ती करने से, गंदा होने से या अपने कपड़े गीले करने से मतलब था। फिर यहाँ पे ऊपर हमने बहुत सारा कलर और ये सब पानी जिसों को मार के हम गए थे सोसाइटी के नीचे। हमने सोचा कि एक बार नीचे देख के आते हैं वहाँ पे क्या हो रखा है। फिर नीचे हमको अपने बहुत सारे फ्रेंड्स लोग मिल गए, ये बच्चे मिल गए हमारी सोसाइटी के, लोग नीचे आ गए थे। फिर एक भाई साहब ने अपनी बालकनी से नीचे पाइप ही लगा दिया, एक कंटिन्यूसली रनिंग वाटर था। फिर हमने अपनी कार की डिग्गी खोलकर उसमें म्यूजिक बजाया और फिर सब लोगों ने वहाँ पे डांस किया, बहुत सारा कलर खेला और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका। लोग चलते हुए बाइकर्स को और गाड़ी वालों को भी कलर मार देते, लोग बहुत खुश हुए। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा, बहुत मस्ती।